पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद अब उस पर किसी से मिलने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के घर पर रह रही सीमा हैदर लगातार कई घंटों तक लोगों से मिल रही थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। अब डॉक्टर की सलाह पर मीणा परिवार ने सचिन के साथ उसे पूरी तरह से घर के एक कमरे में बंद कर दिया है, ताकि वो आराम कर सके। हालांकि उनसे मिलने वाले लगातार आ रहे हैं। सीमा हैदर डॉक्टरों की सलाह पर दवाई ले रही है। हालांकि तबीयत खराब होने वाले एंगर पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। और इन सब के बीच जांच एजेंसियां अब उस एजेंट की तलाश कर रही है जिसने सीमा हैदर को भारत में दाखिल करवाया था। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी। सीमा के साथ उसके चार बच्चे भी भारत की सीमा पार करके पहुंचे थे, लेकिन अब जांच एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि कैसे सीमा नेपाल से बस के जरिए पोखरा तक पहुंची और वहां से भारत की सीमा में आई। साथ ही पुलिस उस एजेंट को भी खोज रही है जिसने सीमा को भारत तक पहुंचाने में मदद की। जांच एजेंसी नेपाल के उस होटल की भी जानकारी जुटा रही है जहां सीमा और सचिन मीणा ठहरे थे। सरहद पार पाकिस्तान की नागरिक सीमा हैदर के चर्चे हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हो रहे। सबसे ज्यादा चर्चा उस कहानी को लेकर हो रही है जिस कहानी में हर रोज नए नए राज खुल रहे हैं, लेकिन आज आपको उस कहानी के उस चौथे किरदार से मिलवाएंगे जो सीमा का सबसे करीबी होने का दावा कर रहा है, जिसका दावा है कि सीमा 2 साल पहले उसके संपर्क में आई और उसने उसके साथ शादी का वादा किया। लेकिन प्यार की इस कहानी में कैसे ट्विस्ट आया, इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको ये दिखाते हैं कि हिंदुस्तान आई सीमा हैदर को लेकर इस वक्त पाकिस्तान में कैसे खलबली मची हुई है। सरहद पार सीमा के लिए बेचैनी, भारत में सीमा, पाकिस्तान परेशान। सीमा नहीं जाना चाहती पाकिस्तान। सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी बता रही है कि मोहब्बतें सरहदों को मोहताज नहीं होती। पाकिस्तान से आई सीमा भारत में सचिन के साथ रह रही है, उनके चार बच्चे भी उनके साथ ही हैं। सीमा हैदर की दास्तान जितनी हमारे देश में सुर्खियों में है, उतना ही पाकिस्तान के लोग इस पर बातें कर रहे हैं। इस बीच सीमा हैदर के लिए पाकिस्तान का प्रेम जाग गया है। पाकिस्तान को अचानक सीमा हैदर की फिक्र सताने लगी है। पाकिस्तान ने भारत की सरकार से सीमा हैदर की तबीयत के बारे में पूछा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से सीमा से बातचीत की अपील की है, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया। देश के हित में जो कुछ भी है हम बर्दाश्त करेंगे, नहीं तो सीमा हैदर के लिए भले ही पाकिस्तान फिक्रमंद हो, लेकिन सीमा अब पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। पाकिस्तान के नाम से उन्हें खौफ आता है। सीमा का साफ कहना है कि मैं दोबारा पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, अगर इसके लिए मुझे मौत को गले लगाना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटूंगी। ठीक, मैं तो मर ही जाऊंगी, अपने बच्चों को भी जहर पिला के हम 7-5 मर जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सीमा हैदर अपनी आखिरी सांस तक अब भारत में ही रहना चाहती हैं। सीमा ने यहाँ आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत की नागरिकता देने की अपील की थी, लेकिन सीमा के वकील के मुताबिक अगर भारत की नागरिकता नहीं मिली तो उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है। भारतीय नागरिकता नहीं मिली तो सीमा को डिपोर्ट करना भी पड़ सकता है। पुलिस की FIR के मुताबिक 2019 में ऑनलाइन गेम PUBG के जरिए दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे। थोड़े दिन बाद सीमा हैदर और सचिन को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद 10 मार्च को सीमा सचिन से मिलने पाकिस्तान से नेपाल पहुंची। FIR के मुताबिक 13 मई को सीमा अपने चार बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आ गई। सीमा हैदर का दावा है कि उनकी सचिन के साथ नेपाल में शादी हो चुकी है और वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएंगी। पाकिस्तान से आई सीमा ने सचिन मीणा के साथ हिंदू परंपरा के मुताबिक शादी कर ली, जिसे पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक गलत और नाजायज बताया जा रहा है। भारत में इस्लामिक धर्मगुरुओं का कहना है कि सचिन मीणा के साथ सीमा की शादी इस्लाम के मुताबिक जायज नहीं है, क्योंकि सीमा का उसके पति गुलाम से अभी तक तलाक नहीं हुआ है, जबकि सीमा बार बार ये कह रही है कि गुलाम से उसका जबानी तलाक हो चुका है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान के कराची में रहने वाली सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा के दिल मिले तो हजारों मील की दूरियां मिट गई। एक लड़की होते हुए भी सीमा हैदर ने वो कदम उठा लिया जिसके लिए किसी लड़के को 100 बार सोचना पड़े। सीमा हैदर कराची से हजारों मील की दूरी तय कर सचिन के घर ग्रेटर नोएडा आ पहुंची। इसके लिए सीमा ने अपने मुल्क पाकिस्तान समेत 3 मुल्कों की सीमाएं लांघी। सीमा सबसे पहले फ्लाइट से 1180 किलोमीटर की दूरी तय कर कराची से दुबई पहुंची। उसके बाद वो दुबई से फ्लाइट के जरिए 2992 किलोमीटर की दूरी तय कर नेपाल पहुंची और फिर बस के जरिए 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर हिंदुस्तान में अपने प्यार की पनाह में पहुंच गई। इस पूरे सफर में सीमा ने अपने 4 बच्चों के साथ 5222 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। इतनी दूरी तो शायद मजनू ने लैला के लिए भी तय नहीं की थी जितनी की सीमा ने सचिन के लिए की। अब सवाल है कि गलत और सही को दरकिनार कर, जमाने की परवाह छोड़कर और पाकिस्तान से अपने सारे नाते तोड़कर सीमा हैदर जिस सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आ गई, अब उसके रिश्ते को कितना सही माना जा रहा है? क्या एक शौहर के होते हुए सीमा हैदर की दूसरी शादी जायज है? क्या बिना तलाक लिए सीमा हैदर की दूसरी शादी कानूनन सही है? क्या इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाली सीमा हैदर के ऊपर अभी भी तलाक का शरिया कानून लागू होगा? और क्या पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ चुकी सीमा हैदर पर पाकिस्तान में हुई शादी का कानून लागू होगा? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक सीमा और सचिन की शादी पर उंगलियां उठ रही हैं। खुद हिंदुस्तान में इस्लामिक धर्म गुरु से लेकर मौलवी और मौलाना तक सभी सीमा और सचिन की शादी को नाजायज ठहरा रहे हैं। इसको किसी भी तरीके से जायज नहीं करार दिया जाएगा। तलाक में जो पहलू रखा गया है वो 2 एविडेंस है, 2 गवाह होना चाहिए। अगर 2 गवाह नहीं है तो तलाक सही नहीं है। लिहाजा अगर कोई तलाक हुआ है उसका और उसको वो प्रूफ करती है, जैसा कि पता चला कि तलाक को प्रूफ भी नहीं कर पा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये उसकी शादी भी गलत है। सीमा हैदर ने पाकिस्तान से आकर सचिन मीणा से शादी तो कर ली, लेकिन क्या उस पर शरिया कानून लागू होगा? इस पर मुस्लिम धर्म गुरु भी जवाब देने से बच रहे हैं। सीमा हैदर का दावा है कि उसके शौहर गुलाम हैदर उसे तलाक दे चुके हैं, जबकि गुलाम हैदर तलाक की बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीमा हैदर अभी भी कानूनन उनकी पत्नी है क्योंकि उन्होंने उसे अभी तक तलाक नहीं दिया है। दोनों के अपने अपने दावे हैं जिसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा कह पाना मुश्किल है। अगर मैं इनकी शादी में भी हूँ फिर भी मेरा अधिकार है, मैं कह सकती हूँ कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती तो नहीं रह सकती, जबरदस्ती कोई भी नहीं रखे। तुम तो तलाक दे चुके हो मुझे और मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ, तो हमारा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है? नहीं सर, तलाक हो नहीं चुका, ना मैंने कभी तलाक दी है सर, ये झूठ बोल रहा है सर। मौलाना सैफ अब्बास के मुताबिक सीमा जब तक अपने शौहर गुलाम हैदर से तलाक लेने के सबूत पेश नहीं करती तब तक सचिन से उसकी शादी नाजायज मानी जाएगी। हालांकि सीमा हैदर अपने शौहर गुलाम हैदर से अलग होने के जिन कारणों को गिना रही है, मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास के मुताबिक सीमा को इन आधार पर गुलाम से तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए ऐसा है कि उसने 1-2 बातें कही है यही कि हमारा ख्याल नहीं रखती है। वो चूंकि इस्लाम धर्म को फॉलो कर रही थी, इस्लाम में लड़की उस वक्त तलाक दे सकती है जब उसका शौहर इस्लाम की विरोधी गतिविधियों में शरीक हो, मसलन वो जुआरी हो, शराबी हो, मारता पीटता हो, भूखा रखता हो, अजियत देता हो। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा कि हमें नहीं देती। अब आपका ख्याल रखने के लिए क्या चीजें चाहिए? आपको रोज ब्यूटी पार्लर जाने की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए, आपको रोज बारबेक्यू ले जाने की? तो मैं ये समझता हूं कि इस तरीके से इस्लाम में तलाक नहीं होता है। तलाक उस वक्त इस्लाम में लड़की ले सकती है कि जब वो अपने धर्म के विपरीत काम कर रहा हो, तब उस वक्त तलाक हो सकता है और लड़की भी तलाक ले सकती है, उसके पास पावर है इतनी।
अब सवाल है कि जब सीमा ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है और हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक सचिन के साथ 7 फेरों के बंधन में बंध गई है, तब भी क्या सीमा हैदर पर शरिया कानून लागू होगा? ये ऐसा सवाल है जिसका साफ साफ जवाब देने से मुस्लिम धर्म गुरु बचते नजर आ रहे हैं।